तेजस्वी परियोजना से जुड़े महिला काफी आक्रोश में है। आक्रोश इस बात का है कि सरकार इनकी रोजगार को छीन रही है और एक बार फिर से ये महिला सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं जब ये महिला अपने आंदोलन को धारदार और तेजधार बनाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने इसे रास्ते में रोक लिया। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले बार भी ये महिलाओं को पुलिस ने ब्रेकेटिंग लगा के रास्ते में रोका था और इस बार भी इसका आंदोलन को दबाने के लिए एक बार पुलिस रास्ते में रोकी है। महिलाओं का कहना है कि हम ऐसे क्षेत्र में जा करके सुदूरवर्ती इलाके में जा करके 14 से 24 साल के किशोरियों को जोड़ करके उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, उसे शिक्षा से जोड़ते हैं और उसे आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, लेकिन सरकार ने इनकी योजनाओं को, उनके काम को अनदेखी कर रही है। कह सकते हैं कि रघुवर दास ने तेजस्वी योजना के तहत 17 जिले के महिलाओं को इससे जोड़ने का काम किया था और हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे हटाने का काम कर रहे। इसे लेकर ये महिला लगातार आंदोलन कर रहे। पिछले बार जब ये आंदोलन किए थे तो सरकार के मुलाजिम इसे रोकने का काम किया था और 5 कमेटी बना करके वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर से महिला सड़कों पर नजर आ रही। क्या कहेंगे? हम हेमंत सोरेन से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग 5 आदमी नहीं जाएंगे। बार बार 7 तारीख को आए, बोले कि 5 आदमी ले जाइए, 5 आदमी गए, काका बात हुआ, हम लोग तो नहीं जाने। उसके बाद में फिर आए 22 तारीख को, उसमें भी बोले 5 आदमी चलिए, 5 आदमी गए। उस दिन भी काका बोले हम लोग को पता नहीं, अब मीडिया वाला के पास तो ये सब बात नहीं हुआ। हमें इतना नाराज क्यों है हेमंत सोरेन? इसीलिए नाराज है कि हम लोग बार बार आते रहेंगे यहाँ, 7 तारीख का आए, 22 तारीख का आए, फिर आए, कितना बार आएंगे हम लोग? हम लोग का 2000 वेतन देता है ये सरकार और बोलता है कि बार बार रोज अथी आइए धरना में हम लोग नहीं आने सकेंगे। हम लोग का हस्बैंड जाते हैं बाहर काम करने के लिए, 1-1 रुपया करके पैसा देता है, वो पैसा हम लोग महिला है कैसे घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, पूरा फैमिली चलाते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं, 1-1 रुपया बचा कर हम लोग आए हैं धरना में। अरे हेमंत सोरेन बोलता है 5 आदमी चलिए, 5 आदमी चलिए, काहे जाएंगे 5 आदमी, नहीं जाएंगे। कहा हम लोग भीख मांग रहे हैं सती हेमंत से, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग उनको अधिकार मांग रहे हैं। अगर सरकार के पास पावर है, हेमंत के पास पावर है, तो हम लोग बस आके और वो बात करे, हम लोग सब सुनेंगे साथ में, 5 आदमी नहीं जाएंगे। क्या लगता है, प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया, उसके बाद भी आप भीड़ लगा रहे हैं, पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है? करने दीजिए, हम लोग के तेजस्वी के डर से 144 धारा लगाया है। इतना पावर था तो पहले कहीं नहीं लगाया 144 धारा, जब हम लोग लेटर डाले हैं तो 144 धारा लगाया है सरकार, यही होशियार है। और हम लोग तो बुढ़वा खाए ना, कि हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग गांव से हैं, इसीलिए पहले कहीं नहीं लगाया हेमंत, इतना पावर था तो 144 धारा, और किस कारण लगाया वो कारण बताए हम लोग का, कि हम इसी कारण से 144 धारा लगाया है, तब हम लोग जाएंगे, वो तो नहीं जाएंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार इस आंदोलन को देखकर आपकी बात को मान लेगी? मानेगी कि नहीं मानेगी ये हेमंत सरकार जानेगा, हम लोग तो नहीं जान सकते। जो हम लोग का काम है धरना करना, हम लोग किए हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो, हम लोग यही रहेंगे, मर भी जाएंगे लेकिन यही रहेंगे, जब तक से हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्या डिमांड है सरकार से? हम लोग का यही डिमांड है कि रोजगार हम लोग को नहीं छीना जाए, हम लोग को अस्थायी किया जाए और हम लोग का जो मानदेय है बकाया 12 मंथ का वो भुगतान किया जाए, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। अगर मेरी बात को ये सरकार सुनता होगा तो हमसे ये नाराजगी आप देख रहे हैं, किस तरह से ये नाराजगी हेमंत सरकार के खिलाफ ही महिलाओं का है। लगातार ये महिला वैसे क्षेत्र में जा करके काम करने के काम करते थे, लेकिन आज सरकार उनके कामों का अनदेखी कर। क्या कहेंगे मैडम, इतना नाराज क्यों? नाराज इसलिए है कि जब हम गांव टोला से किशोरी एवं मूर्तियों को ले जाते थे, निकालते थे, उसमें हम लोग खुश रहते थे, लेकिन अब वही मोहल्ला ऐसा चल रहा है कि उस 18 साल मतलब 14 से 24 साल के किशोरी एवं मूर्तियों को मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए हैं। और वो लड़की से बोलती है, क्या मैडम आप क्या कर रहे हैं, परियोजना कहाँ चल गया, क्लास क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये सब सारे बातें पूछते थे लड़के सब। अब उस लड़की को नाराज किए हैं हम लोग, तो हम लोग को वहाँ कुछ डिमांड भी सरकार बोलता है कि हम महिला को सशक्त करेंगे, किशोरी को सशक्त करेंगे, कहाँ सशक्त कर रहे हैं? ये तो जो लड़की थी सशक्त होती और अपने पैरों पे खड़ा होती, उसी समय बीच धारा में लेके छोड़ दे रहे हैं। कहाँ लड़की सशक्त हो रहे, सिर्फ भाषण देता है बड़ा बड़ा कि हम लड़की को सशक्त करेंगे, आर्थिक करेंगे, महिला को सशक्त
यही रोड में ला के बैठा दिया, यही सशक्त है, किसी का माँ बहन का इज्जत नहीं है। मेरा हस्बैंड साथ में आया है, मेरा बाप साथ में आया है, अभी हम एक काले आए हैं, उनका जो बीबी है, उनका बहन है, उनकी माँ है, एक काले कहीं जाती है, वो अपना फोर व्हीलर में लेके जाएगा वो, और हम लोग रोड में भटकेंगे, बड़ा आदमी है इसीलिए, और हम लोग छोटा है तो क्या करें, रोड में भटक रहे हैं, और उनका बड़ा कौन बनाया, बनाए हैं हम, गद्दी में बैठाए हैं हम, और गद्दी में बैठ के सोच रहा है कि हम बड़का बन गए, वो बड़का नहीं चलेगा, 2024 आ रहा है, 2024 में बताएंगे और हवा लगा देंगे, वो एसी का हवा खाया है ना, वो समझ जाएगा कि एसी का हवा कैसा होता है। इसे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कड़ी धूप में भी ये महिला लगातार इसी तरह हाथों में छतरी लेकर के इस आंदोलन को तेज कर रहे हैं। पूरा मामला मैडम, क्यों बार बार आपको पुलिस रोक रही है? 26 तारीख अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि 26 के वार्ता के बाद आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन फिर वजह क्या बना, फिर आंदोलन किए, फिर आप सड़क पर निकले और फिर पुलिस आपको रोक रही है? सर, मेरा नाम इशरत जहां हुआ, मैं रामगढ़ जिला से हूँ और मैं तेजस्वनी परियोजना की मैं YF हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस तेजस्वनी परियोजना के 10,039 कर्मी हैं और हम लोगों को दो बार सरकार के द्वारा कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का काम को विस्तार किया जाएगा, और सरकार हम लोग से ना बात करके उनके साथ जो भी सेक्रेटरी होंगे वैसे लोगों से वो बात करवाते हैं, कुछ हमारे तेजस्वनी कर्मी के मेंबर से। अब होता है ये बात कि हमारे तेजस्वनी कर्मी के बीच में जो हम लोगों का ऊपर में हेड लीडर है उनसे क्या वार्ता होता है और उनको बहला फुसला के उन लोगों को घर भेज दिया जाता है। साथ ही मैं YF होने के नाते हम लोगों का बकाया मानदेय 12 मंथ का बचा हुआ है और छवि रंजन के द्वारा हम लोगों को एक लेटर जारी किया जाता है कि 25 अगस्त के बाद आप लोगों का काम को रोक दिया गया है, साथ ही जो भी सामान आपको मिला है वो सामान को हैंडओवर किया जाता है। साथ ही जो चिट्ठी निकालता है उसमें पहले जब हमारे तेजस्वनी में बहाली होती है उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि 3 साल अगर आपका हैंडसेट जो दिया जाता है और 3 साल जो कर्मी का काम हो जाता है वो सेट उनका हो जाता है, लेकिन एक लेटर जारी होती है और हम लोगों को, गरीबों को, दबे कुचले लोगों को सरकार डराने और धमकाने वाले काम करते हैं और कहते हैं कि आपको मोबाइल भी जमा करना होगा। साथ ही मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी सामान दिए हैं आपसे हमने मांगा नहीं था, पहले आप हमें काम लिए, हमारा शरीर को घिस गए, हमारा शरीर का खून पसीना बहाए, हम लोग गरीब तबके के लोग जो हम लोग एकदम निचले से निचले स्तर के लोगों, जहां दूर सुदूर के लोग हैं वहां तक हम लोग पैदल चल चल के हम लोग का पैर का चप्पल खत्म हो गया, वैसे जगह में जाके जो लड़कियां बोल नहीं पाती थी, जो लड़कियां को स्कूल नहीं जाती थी, वैसे लड़कियां को हम लोग स्कूल से जोड़ा NIS के माध्यम से, उसको आज हम लोग मैट्रिक भी करवाए, कौशल विकास का प्रशिक्षण भी हम लोग करवाना चालू किए, उसके बाद वो भी पूरा नहीं हुआ, साथ ही हमारा सीड ग्रांट का राशि भी भेजते हैं सरकार, एक तरह लेटर जारी करते हैं कि आपका काम को रोक दिया जा रहा है, आपका काम खत्म हो गया, और दूसरी तरफ सरकार कहते हैं कि आपका सीड ग्रांट भी भेज दिया, जो सीड ग्रांट 20,000 AGYW का कौशल विकास के लिए आता है, आर्थिक और सामाजिक गतिविधि के लिए आता है, वो पैसा हम लोगों का अकाउंट में है। साथ ही हम लोगों के साथ ये लेटर जारी किया गया है कि अब वो पैसा आप लोग अकाउंट में ही रखें। सरकार क्यों मजाक कर रहे हैं, सरकार क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जब आप हमारा रोजगार ही छीन लिए तो हमारे पास तो ना खाने के लिए पैसा है ना दवा के लिए पैसा है, तो हम बेटी को अब स्कूल कहाँ से भेजें? आप अगर कहते हैं कि अपना बेटी को 21 साल के बाद शादी दीजिए, हम लोग कहाँ से ये सब इंतजाम करेंगे, कौन करेगा, इसका जिम्मेवार कौन है? हमारा उससे अच्छा तो रघुवर सरकार थे जो हम लोगों का तेजस्वनी को लागू किया था। अगर हमारी सरकार आज हमारे मांगों को पूरा नहीं करते हैं और जब तक नहीं मांग पूरा करेंगे, मैं सरकार को ये कह देना चाहता हूँ मीडिया बंधु के माध्यम से कि मैं इस बैरिकेड से हिलने वाला नहीं हूँ, और सरकार ये डराना और धमकाने का जो काम किए हैं कि आप 144 का धारा, तो अगर 144 का धारा लगाए हैं तो 24 में वो हारने का भी एक उम्मीद बना लीजिए, वो जितने नहीं जा रहे हैं। कह सकते हैं कि तीसरा बार इनका धरना था और ये लगातार वैसे क्षेत्र में जाके काम करते थे, सुदूरवर्ती इलाके में जाते थे, वहाँ से 14 से
24 तक के जो किशोरियां होती थी उनसे जोड़ते थे आर्थिक रूप से, कौशल विकास योजनाओं से जोड़ करके उसे आत्मनिर्भर बनाते थे। और सरकार ने एक बार चिट्ठी जारी कर देती है कि 10,000 कर्मचारियों के जो उनका सर्विस है वो अचानक समाप्त होता है। उस देख सकते हैं अपने कैमरे में कि किस तरह से यहाँ पे जवान मौजूद और इन आंदोलन कर्मियों को रास्ते में रोक दिया गया और इसे फिर से इनके जो आंदोलन इसे कुचलने का काम कर रहे हैं। सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्या रूप लेगा? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे, यहीं रहेंगे, चाहे सरकार उग्र आंदोलन होगा सरकार हम लोग की बात 24 में उनको आने नहीं देंगे हेमंत सरकार को कभी नहीं। जब हम लोग को इस अथी में हम लोग को हटाया जा रहा है, इस अथी में हम लोग को सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं, उनका 2024 में कभी नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्यों आने देंगे? हम लोग को महिला को अथी से कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग को प्रति जागरूक कर ही नहीं सकते तो क्यों आने देंगे सरकार को? लगातार ये आरोप रहा है इनका कि जिस तरह से सरकार इनके साथ रवैया अपना रही है कहीं ना कहीं इसमें आक्रोश दिख रहा है। और यही वजह है कि 2024 में होने वाले चुनाव को लगातार कह रहे कि जिस तरह से रघुवर सरकार को हमने उखाड़ फेंका, इस बार हेमंत सोरेन को भी उखाड़ फेंकने का ये वादा ये कर्मी कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे, क्यों नाराज है रघुवर सरकार? जरूर नाराज है सर। हेमंत सरकार से क्यों नाराज है? हेमंत सरकार से नाराज नहीं है, कोई भी सरकार हमको जॉब दिया क्या हेमंत सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कि हम लोगों का रोजगार ना जाए? उसका हम जनता नहीं है क्या? क्यों रोजगार छीन रहा है हमसे? अगर हम लोगों का काम से वो संतुष्ट है तो हमको वो काम दे, हमका मेरा रोजगार जारी रहे। क्या डिमांड है पूरा? हमको रोजगार चाहिए, मेरा जो परियोजना था उसको विस्तार कीजिए और जो मेरा सैलरी मानदेय बकाया है उसको पूरा कीजिए। मेरा कितना बकाया है? 8 महीने से बकाया है। कितना बकाया? 12 महीने का बकाया है, 12 महीने का बकाया पैसा है। और हम लोग सोचते हैं कि फिर से ये तेजस्वनी परियोजना फिर से स्टार्ट किया जाए। हम लोग तेजस्वनी परियोजना 14 से 24 के बीच में लड़की लोग को जाकर घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन किए, नामांकन किए, उसके बाद हम लोग बहुत परिश्रम में आने के लिए प्रेरित किए भी सर। छोटे छोटे बच्चे को लेके, मतलब जो असमान बच्चा है, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसको गोद में लेके ने धूप देखे, ने छान देखे, ने पानी देखे, फिर भी घर घर जाके प्रेरित किए GYW को, किशोरी लोग को, फिर भी सरकार हम लोग को सशक्त बनाए, फिर भी हम लोग को सरकार बेरोजगार कर दी कर रहे हैं। फिर हम लोग को मतलब सरकार से बाल विवाह करने के लिए भी रोके हैं सर। क्या क्या क्या? जब सरकार रोजगार हमको दिए तो वो एक से हमसे शपथ लिया कि आप दूसरा परियोजना में काम नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरह का वो नहीं लेते तो हम किसी भी परियोजना में जा सकते थे ना। आज ये नौबत तो नहीं आता हम लोगों के सामने। क्यों सरकार हमसे रोजगार छीन रहे हैं? झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं रोजगार दीजिए, हम आपका जनता है। लगातार इसी तरह ये महिला सड़कों पर उतर करके चिल्ला रही है और अपने आंदोलन को धार धार बनाने की कोशिश कर रही है। ये लगातार हम कह सकते हैं कि तीसरा महीने में तीसरा इनका आंदोलन है और इसी तरह इसका आंदोलन को रास्ते में रोका जाता है। जब ये आंदोलन को लेकर के बाहर निकलती है, अपोजिट भवन जब ये घेरने के लिए निकलती है तो इसे रास्ते में बैरिकेड करके रोक दिया जाता है और इसे इसका आंदोलन यहीं पर दब कर रह जाता है। पिछले बार जब ये 22 तारीख को आंदोलन करने के लिए निकले थे तो उस दिन भी इनके कुछ कर्मियों के साथ वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये वार्ता फाइनल वार्ता है और अब आपकी बात को मान ली जाएगी। लेकिन जब इनकी बात को अनसुनी किया गया तो एक बार फिर ये महिला 17 जिले से आए हुए कर्मी लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए आपको दिखाई दे रहे। इसी तरह आंदोलन लगातार सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर इनकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।